चलिए शुरू करते हैं नाउन्स। नाउन क्या होते हैं? व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। नाउन नाम है किसी व्यक्ति, जानवर, जगह या किसी चीज का। अब चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। अमित इज इंटेलिजेंट, द फॉक्स इज क्लेवर। अमित इज इंटेलिजेंट, द फॉक्स इज क्लेवर। शी लिव्स इन मुंबई, आई हैव अ कंप्यूटर। शी लिव्स इन मुंबई, आई हैव अ कंप्यूटर। चलिए, अमित इज इंटेलिजेंट, अमित इंटेलिजेंट है। अमित नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है। द फॉक्स इज क्लेवर, लोमड़ी चालाक है। किसी एनिमल का नाम है, फॉक्स इज अ नाउन। शी लिव्स इन मुंबई, मुंबई एक प्लेस का नाम है, प्लेस। आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर इज अ नेम ऑफ अ थिंग। अमित इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, फॉक्स इज अ नेम ऑफ एन एनिमल, एक जानवर का नाम है। शी लिव्स इन मुंबई एक प्लेस, एक जगह का नाम है। और आई हैव अ कंप्यूटर, कंप्यूटर एक थिंग का नाम है, चीज का नाम है। चलिए आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। अ बॉय एंड हिज डॉग डाइन एट अ रेस्टोरेंट। अ बॉय एंड हिज डॉग डाइन एट अ रेस्टोरेंट। एक लड़के और उसके डॉग ने रेस्टोरेंट में खाना खाया। अ बॉय एंड हिज डॉग डाइन एट अ रेस्टोरेंट। बॉय इज अ पर्सन, इज अ नाउन। डॉग इज एन एनिमल। रेस्टोरेंट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस। अगर बिल्डिंग है तो इट्स नेम ऑफ अ, अगर वी आर कंसिडरिंग इट अ बिल्डिंग, अगर हम कंसिडर कर रहे हैं रेस्टोरेंट को एज अ बिल्डिंग तो एक थिंग है, और एज अ स्पेस कंसिडर कर रहे हैं तो वो प्लेस है। चलिए, द काउ गिव्स मिल्क। द काउ गिव्स मिल्क। अभी सेंटेंस में दो नाउन्स हैं, आप मुझे बताएंगे कौन कौन नाउन है इसमें। मैं और आगे लिखता हूं एग्जांपल्स। डैड फाउंड हिज की इन द कार। डैड फाउंड हिज की इन द कार। इस सेंटेंस में तीन नाउन है, मैं बताऊं इससे पहले आप मुझे बताएं। एंड्रू ईट स्पीच। एंड्रू ईट्स पीच। चलिए अब इन सारे एग्जांपल्स को देखते हैं। द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। काउ एनिमल, मिल्क को थिंग कंसीडर किया जाता है। डैड फाउंड हिज की इन द कार। डैड ने अपनी चाबी को कार में पाया। डैड इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, की इज अ नेम ऑफ अ थिंग, कार इज अ नेम ऑफ अ थिंग। एंड्रू ईट्स पीच। एंड्रू इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, पीच इज अ नेम ऑफ अ फ्रूट, और ये थिंग में आता है, इसको थिंग में रखा गया है फ्रूट्स को। नाउन 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 नाउन, पर्सन, डॉग एनिमल, रेस्टोरेंट प्लेस और थिंग, काउ एनिमल, मिल्क थिंग, डैड पर्सन, की थिंग, कार थिंग, एंड्रू पर्सन, पीच थिंग। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देर आर फोर काइंड ऑफ नाउन, देर आर चार तरीके के नाउन होते हैं, सुना है कभी आपने?
चार तरीके के कौन कौन से नाउन है। वैसे एक और भी नाउन है, वह आगे पढ़ाऊंगा, वो मेन नाउन्स में कंसीडर नहीं होता है, लेकिन मेन नाउन चार तरीके के हैं। पहला है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन से समझ में आ रहा है कॉमन वर्ड से कि कॉमन होगा। अब आगे देखते हैं इसमें कॉमन क्या होगा। रीटा हैज न्यू शूज, रीटा हैज न्यू शूज, रीटा के पास नए जूते हैं। अब इसमें दो नाउन है, एक रीटा है एक शूज है। शूज कॉमन है, इसलिए क्योंकि ब्रांड का नाम नहीं ले रहे हैं, सिर्फ कॉमन शूज, कोई भी शू हो सकता है, तो शूज अ कॉमन नाउन। और रीटा, रीटा भी नाउन है, लेकिन यहां क्या है, हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन्स में तो पता चलेगा कि रीटा इज अ प्रॉपर नाउन। अब हम कॉमन नाउन्स की बात कर रहे हैं, इस सेंटेंस में शू इज अ कॉमन नाउन। दो नाउन थे इस सेंटेंस में, एक रीटा और एक शूज, शूज कॉमन नाउन है। That boy wants to play with Amit. वो लड़का अमित के साथ खेलना चाहता है। इस सेंटेंस में भी दो नाउन है, बॉय और अमित। अमित जैसे रीटा की तरह प्रॉपर नाउन है और बॉय यहां पर कॉमन नाउन है। बॉय है, किसी का नाम नहीं है, अमित एक बॉय है, लेकिन अमित जो है प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है। द चिल्ड्रंस प्ले रूम फ्लोर वॉज कवर्ड विथ टॉयज, द चिल्ड्रंस प्ले रूम वॉज कवर्ड with toys। इस सेंटेंस में देखते हैं नाउन कितने कितने हैं। चिल्ड्रंस, रूम और टॉयज। चिल्ड्रंस एक कॉमन नाउन है, रूम एक कॉमन नाउन है और टॉयज भी एक कॉमन नाउन है। चिल्ड्रन जो है कॉमन नाउन है पर्सन कैटेगरी का, व्यक्ति कैटेगरी का। रूम जो है कॉमन नाउन है थिंग कैटेगरी का, और टॉयज भी कॉमन नाउन है थिंग कैटेगरी का। ठीक है, यहां ऊपर बॉय कॉमन नाउन है पर्सन कैटेगरी का, किसी का पर्सन, व्यक्ति, व्यक्ति को दर्शा रहा है बॉय। शूज जो है कॉमन नाउन है थिंग कैटेगरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंसेस लेते हैं। चलिए और एग्जांपल्स है कॉमन नाउन के, एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन, मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, पेन, board, book, these are our examples of common noun। ये सब common noun के example है। और लिख लेते हैं, city, country, man, आदमी common noun है, किसी का नाम होता अमित किसी आदमी का तो proper होता, ये common है man। woman common है, कोई भी woman हो सकती है। बॉय कोई भी बॉय हो सकता है कॉमन, गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है कॉमन, पेन कोई सा भी पेन हो सकता है, बोर्ड कोई भी बोर्ड हो सकता है, बुक कोई भी बुक हो सकती है कॉमन है। किसी पर्टिकुलर बुक का नाम होता तो प्रॉपर नाउन होता, किसी पर्टिकुलर मैन का नाम होता तो प्रॉपर नाउन होता। कॉमन नाउन किसी का नाम होता पर्टिकुलर तो प्रॉपर नाउन होता। ऐसी सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, कंट्री कोई भी कंट्री हो सकती है। एग्जाम्पल्स, अब मैं डिफरेंस बताता हूँ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में।
मैन, किसी मैन है, लेकिन अगर नाम होता तो प्रॉपर नाउन अमित, वुमन रीटा, बॉय अब्दुल, गर्ल नीता, पेन कॉमन नाउन है लेकिन पार्कर लिखता मैं यहाँ पे पेन का नाम तो पार्कर, बोर्ड कॉमन नाउन है किसी कंपनी का नाम लिखता तो प्रॉपर होता, बुक सिटी ऐसी, दिल्ली प्रॉपर है किसी चीज का प्रॉपर नाम है किसी प्लेस का लेकिन सिटी कॉमन नाउन है, कंट्री कॉमन नाउन लेकिन अगर इंडिया लिखते तो वो प्रॉपर नाउन होता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर नाउन की तरफ और जरा डिटेल में हम थोड़ा जान लेते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर से आपको लग ही रहा होगा कि कोई किसी प्रॉपर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। शीला जम द रो बट शी इज अ डिसेंट गर्ल, शीला जम्प द रोप बट शी इज अ डिसेंट गर्ल। शीला ने जम्प रोप यानी रस्सी को जम्प किया लेकिन वो डिसेंट लड़की है, अच्छी लड़की है। शीला यहां पर नाउन है, रोप यहां पर नाउन है, गर्ल यहां पर नाउन है। शीला इज अ प्रॉपर नाउन, किसी का प्रॉपर नाम है, शीला इज अ प्रॉपर नाउन। रोप थिंग कैटेगरी का कॉमन नाउन है, ऐसी गर्ल शीला इज अ गर्ल, गर्ल एक जैसे हमने ऊपर पढ़ा कॉमन नाउन है। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल शीला अब्दुल दिल्ली इंडिया, शीला अब्दुल दिल्ली इंडिया। शीला एक प्रॉपर नाम है, किसी का नाम है तो शीला एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर नाम है। प्रॉपर नाउन के साथ जो सबसे क्लोजली एसोसिएट यानी जोड़ सकते हैं या इंडिकेट करता है कोई वर्ड प्रॉपर नाउन को तो वर्ड है पर्टिकुलर। हमेशा इस वर्ड को याद रखिएगा अपने दिमाग में, पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात करें, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हो सकता है, कोई पर्टिकुलर थिंग हो सकती है, कोई पर्टिकुलर प्लेस हो सकता है, तो पर्टिकुलर इज द वर्ड जो हमेशा ध्यान रखना है प्रॉपर नाउन में। अब्दुल प्रॉपर नाउन, अगर गर्ल होता किसी सेंटेंस में, गर्ल इज अ जैसे ऊपर पड़ा कॉमन नाउन, शीला एक गर्ल है, शीला एक गर्ल है लेकिन शीला प्रॉपर नाउन है, गर्ल कॉमन नाउन है। अब्दुल इज अ बॉय, अब्दुल इज अ बॉय लेकिन अब्दुल जो है वो प्रॉपर नाउन है और बॉय एक कॉमन नाउन है। दिल्ली इज अ सिटी, सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, दिल्ली जो है प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर जगह के नाम की बात कर रहे हैं तो दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन। ऐसी सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, कॉमन नाउन। ऐसे ही इंडिया, इंडिया इज अ नेम, पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर, इंडिया इज अ नेम ऑफ अ कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है तो इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, कंट्री इज अ कॉमन नाउन। हमेशा याद रखिएगा एक रूल है प्रॉपर नाउन का कि प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। शीला का एस कैपिटल, अब्दुल का ए कैपिटल, दिल्ली का डी कैपिटल, इंडिया का आई कैपिटल, ठीक है। चलिए तीसरी तरह के नाउन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जो है एब्स्ट्रैक्ट, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट से क्या समझ में आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एब्स्ट्रैक्ट वर्ड से समझ में आ रहा है कि कोई चीज जो एब्स्ट्रैक्ट है, साफ नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, क्लियर नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है सिर्फ
सोच में है लेकिन नजर में नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट यानी सोच में है, दिमाग में है लेकिन नजर में नहीं है, नजर नहीं आ रही है लेकिन उसके बारे में हम सोच सकते हैं, हम उसके बारे में सोच सकते हैं, इसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द गर्ल शोड करेज, द गर्ल शोड करेज। इस सेंटेंस के अंदर दो नाउन्स हैं, आपको अभी तक पता ही चल गया होगा दो नाउन कौन कौन से होंगे, एक गर्ल है एक करेज है। जो गर्ल है जैसे हमने पहले पढ़ा एक कॉमन नाउन है, लेकिन करेज जो है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर रखा गया है, उसे एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जिसके बारे में हम सोच तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। हम गर्ल को देख सकते हैं लेकिन हम करेज को देख नहीं सकते, हम करेज के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जब भी आपको तुलना करनी हो या ये नापना हो या ये देखना हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं, तो हमेशा याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। वो फाइव सेंसेस हमने जो हैं वो फाइव सेंसेस हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को उनसे परसीव, उनसे जांच नहीं सकते उन पांच सेंसेस से, आईज ईयर्स नोज टंग एंड स्किन। यानी हम उसको देख नहीं सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं, सुन नहीं सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, सूंघ नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, चख नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते और फील नहीं कर सकते, स्किन से उसको फील नहीं किया जा सकता, सिर्फ उसके बारे में सोचा जा सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जिसको भी दिमाग से परसीव किया जा सकता है लेकिन उसको इन पांच सेंसेस पे खरा नहीं उतारा जा सकता, उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, जो जैसे मैंने बताया प्रॉपर नाउन का जो आप हमेशा जो एसोसिएट करेंगे जिस वर्ड से प्रॉपर नाउन को, वो मैंने जैसे पहले बताया पर्टिकुलर वर्ड से एसोसिएट करेंगे तो रिलेट करना आसान हो जाएगा। ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन को विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ, हम सिर्फ सोच सकते हैं उसके बारे में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो वर्ड है वो थिंक ऑफ है, जैसे प्रॉपर का पर्टिकुलर है, एब्स्ट्रैक्ट का थिंक ऑफ है, हम उसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं। स्लीप काइंडनेस ऑनसी डेथ होप, स्लीप काइंडनेस ऑनेस्टी डेथ होप एक्सेट्रा। नींद को हम सिर्फ सोच सकते हैं, ये पांच सेंसेस पे उसको हम देख नहीं सकते, मतलब नाप नहीं सकते इन पांच सेंसेस से, परसीव नहीं कर सकते, जिसे वर्ड कहूं जो बेहतरीन वर्ड है वो परसीव है, परसीव नहीं कर सकते पांच सेंसेस से, स्लीप को, नींद को, काइंडनेस को, अच्छाई को हम लोग जो है वो नहीं परसीव कर सकते इन पांचों से। ऐसी ऑनेस्टी को, ईमानदारी को हम लोग जो है सिर्फ थिंक ऑफ कर सकते हैं माइंड से, इन पांच सेंसेस से उसको परसीव नहीं कर सकते। डेथ मौत को या उम्मीद होप को, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। स्लीप काइंडनेस ऑनेस्टी डेथ एंड होप आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। चलिए आगे चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं। लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, ये एक मुहावरा है, इंग्लिश का एक मुहावरा है, लव मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। इसके अंदर जो है दो नाउन्स हैं, आप मुझे बताएं कौन कौन से दो नाउन्स हैं। चलिए बताता हूं, एक तो लव है एक वर्ल्ड है। लव जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है,
हम लाइफ को देख नहीं सकते, लेकिन वर्ल्ड को हम देख सकते हैं, वी कैन सी द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे चलते हैं, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ, मैन और स्ट्रेंथ, इसमें दो नाउन्स हैं इस सेंटेंस में, मैन कॉमन नाउन है जैसे ऊपर पढ़ा, स्ट्रेंथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ताकत, उसको हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। ऐसी मोहब्बत लव प्यार को हम सिर्फ सोच सकते हैं उसके बारे में, उसको देखा नहीं जा सकता। मैनी पीपल स्टिल लिव अंडर पॉवर्टी। आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैनी पीपल स्टिल लिव अंडर पॉवर्टी, मैनी पीपल कॉमन नाउन, पॉवर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पीपल को वी कैन सी, हम लोग पीपल को देख सकते हैं, लेकिन हम पॉवर्टी को देख नहीं सकते। पॉवर्टी, सिर्फ पॉवर्टी के बारे में सोचा जा सकता है, पुअर लोगों को देखा जा सकता है, लेकिन पॉवर्टी को देखा नहीं जा सकता। ये पॉवर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं, उसके बारे में सुन नहीं सकते। पॉवर्टी क्या है, शेप में नहीं है पॉवर्टी, पुअर आदमी है या पुअर पीपल है वो शेप में है, उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन पॉवर्टी वो शेप में नहीं है, तो उसके बारे में सिर्फ परसीव किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नाउन है जो चौथा मेन नाउन है, मेन नाउन्स में से फोर्थ नंबर पे आता है, कलेक्टिव। कलेक्टिव से आपके क्या समझ में आ रहा है, कलेक्टिव से जो कलेक्टिव जो है वो वर्ड कलेक्शन से है, और कलेक्शन का मतलब होता है जमाव, किसी चीज का कलेक्शन, कई कई सारी चीजें एक जगह जमा हो तो कहते हैं कलेक्शन। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो वर्ड कलेक्शन से है। तो हम वी आर स्टडिंग हियर नाउ अबाउट कलेक्टिव नाउन, एग्जाम्पल्स लेते हैं। इंडिया हैज अ बिग आर्मी, इंडिया हैज अ बिग आर्मी, इंडिया हैज अ बिग आर्मी, दो नाउन है सेंटेंस में, इंडिया है एक बिग है। इंडिया के कौन सा नाउन है बताएं, पहले हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है सही, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, और आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, एक कलेक्शन है, आर्मी जो है एक कलेक्शन है, किसी चीज का कलेक्शन है, आर्मी इज अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, जब कई सारे सोल्जर्स एक जगह जमा होते हैं तो वो आर्मी बनती है, सोल्जर्स से आर्मी बनती है। ऐसे ही अ बैंड इज परफॉर्मिंग टुडे एट द थिएटर, अ बैंड is performing today at the theater. Band जो है वो आज परफॉर्म कर रहा है आज थिएटर में, तो band is a collective noun, क्योंकि band is a कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियंस, कई सारे म्यूजिशियंस जब जमा होते हैं तो बैंड बनता है। आई सॉ अ गैंग ऑफ थीव्स यस्टरडे, आई सॉ अ गैंग ऑफ थीव्स, मैंने एक गैंग देखा थीव्स का, चोरों का, मैंने देखा एक गैंग चोरों का। तो गैंग जो है एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि गैंग इज अ कलेक्शन ऑफ थीव्स। जूरी डिक्लेयर्ड अमित अ विनर, द जूरी डिक्लेयर्ड अमित अ विनर,
अमित जैसे प्रॉपर नाउन, जूरी कलेक्टिव नाउन, जूरी कलेक्टिव नाउन, जूरी इज अ कलेक्शन ऑफ, जूरी इज अ कलेक्शन ऑफ जजेस, जब कई सारे जजेस जमा होते हैं, कलेक्टेड कलेक्शन जमा होते हैं तो जूरी बनती है. देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड इन द फेस्ट, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड इन द फेस्ट, फेस्ट यानी फेस्टिवल में बहुत बड़ा क्राउड, बहुत बड़ी भीड़ थी. क्राउड, फेस्ट, ये भी नाउन, लेकिन क्राउड कलेक्टिव नाउन. क्यों? क्योंकि क्राउड जो है इज अ कलेक्शन ऑफ, बताएं, क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल. जब बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं तो वो क्राउड बनाते हैं. ऐसे ही आगे एग्जांपल्स लेते हैं. अ बंच ऑफ कीज, फ्लावर, ग्रेप्स, बनानास. अ बंच ऑफ कीज, फ्लावर्स, ग्रेप्स, बनानास. और जब इन सब का कलेक्शन जो होता है, कीज, फ्लावर, ग्रेप्स एंड बनाना, उसको बंच बोलते हैं. तो हम लिखते हैं आ बंच ऑफ कीज, फ्लावर्स, ग्रेप्स एंड बनानास. कलेक्शन ऑफ कीज, चाबी, फूल, अंगूर और बनाना यानी केला, इन सबके कलेक्शन को हम बंच बोलते हैं. तो बंच जो है वो कलेक्टिव नाउन है. अ हर्ड ऑफ काउ, डियर एलिफेंट. अ हर्ड ऑफ काउ, डियर एलिफेंट. जब इन सब का जो कलेक्शन होता है, गाय, हिरन, एलिफेंट और भी कई एनिमल्स हैं, उनके कलेक्शन को हम हर्ड बोलते हैं. तो हर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन. अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर, जब कई सारे सेलर्स जो पानी में सेल करते हैं, पानी में सफर करते हैं, तो सेल करते हैं, सफर करते हैं पानी में, वो जब जमा होते हैं कलेक्शन, उनके कलेक्शन को क्रू कहा जाता है. तो क्रू जो है ये वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है. अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, जब एक प्लेयर्स, जब कई सारे प्लेयर्स एक जगह जमा होते हैं तो टीम बनती है. तो टीम इज ए कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है. हम आगे पढ़ेंगे जैसे नाउन्स ऑफ नंबर, जेंडर, और हम वो भी पढ़ेंगे पॉजेसिव नाउन्स भी. ठीक है, अभी के लिए इतना. अगले पार्ट में हम बाकी नाउन कवर करेंगे.